वेलकम गाइज एंड अदर वीडियो। तो आपने देखा है कि आज इस तरह की हम वीडियो एडिटिंग करने वाले हैं, वो भी कैन मास्टर में। तो पहले आपको आना है क्रिएट न्यू, उसके बाद आपने कोई भी रेशो सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं तो यहाँ से 16:9 सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ब्लैक बैकग्राउंड लेना है, जिसकी आप लेंथ जितनी भी रख सकें वो रख सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसकी लेंथ यहाँ पर 7 कर देता हूँ। और उसके बाद आपने यहाँ पर आना है मीडिया में, और उसके बाद आपको एक इफ़ेक्ट लेना है यहाँ पर, उसको आपने रख देना है। तो आप यहाँ पर जितनी आप चाहें उतनी आप लेंथ उसकी बढ़ा सकते हैं। मैं तो यहाँ से आपको फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ। और उसके बाद आपने लेयर में आना है, लेयर में आने के बाद मीडिया में, मीडिया में आने के बाद आपने कोई भी PNG पिक को बैकग्राउंड रिमूव करके जो रखा है वो आप डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ से ये एक मैंने डाल रखा है, यह मैं इसको इस तरह से जूम करके यहाँ पर रख देता हूँ। उसके बाद आपने अल्फा ओपेसिटी पे आना है, उसके बाद आपने इसकी जो है वो कर देनी है 60 कर देनी है। उसके बाद आपने यहाँ पर इसको कर लेना है स्क्रीन, स्क्रीन जैसे ही करेंगे तो यहाँ से आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ इससे। और उसके बाद आपने आना है, इसको कर लेना है आपने बैकवर्ड, बैकवर्ड जैसे ही करेंगे। और उसके बाद आपने एक इफ़ेक्ट दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वो आपने उठा लेना है। और यहाँ से आपने ये इस तरह से रख के आपने इसको, मैं कट कर देता हूँ, और उसके बाद इसको फिल टू फिल स्क्रीन कर देता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पर कर देना है इसको स्क्रीन, मीडिया में जाकर आपने स्क्रीन कर देना है। तो यहाँ से इस तरह से स्क्रीन हमने कर दिया है इसको। और उसके बाद हम इसको कर देते हैं डुप्लीकेट, डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ पर हम इसको कर दे हैं फ्रंट, फ्रंट करने के बाद यहाँ पे जो ओपेसिटी हमने कम की थी उसको बढ़ा लेना है। तो यहाँ से मैं इसको बढ़ा लेता हूँ, और उसके बाद यहाँ से हम इसको छोटा करके यहाँ पर हम इसको सेट कर देते हैं, यहाँ से हम इसको कर देते हैं सेंड टू बैकवर्ड, बैकवर्ड कर दिया है। तो यहाँ पर आपने इसको फिर से डुप्लीकेट कर लेना है, उसके बाद यहाँ से इसको क्रॉप करके छोटा कर लेना है इमेज को, ताकि आप कि ये फ्रेम इसमें ठीक से आ जाए। तो यहाँ से हम इसको यहाँ पर रख लेते हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पे एक ही पिक सिलेक्ट ये यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से ऐड करनी है। तो आप इसमें जो चाहे उतनी पिक्चर, इसमें जो एम्प्टी पार्ट है उनमें आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से इसको बैकवर्ड कर देते हैं, और उसके बाद देखिए यहाँ पर ये हो चुका है। और उसके बाद हम इसको भी कॉपी करके डुप्लीकेट करके यहाँ पर इसमें रख देते हैं, और इसको भी कर देते हैं सेंड टू बैकवर्ड, यहाँ से कर दिया है। तो यहाँ से आप इसमें जो चाहें वो कर सकते हैं। यहाँ पर इसका जो म्यूज़िक है वो आपने कर लेना है म्यूट, म्यूट कर लेना है। उसके बाद आप म्यूज़िक कोई भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने एक डाउनलोड कर रखा है, वो मैं इसको ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये हम ऐड कर देते हैं इसको, और यहाँ पर आप देखिए कितना खूबसूरत बन गया। तो गाइस उसके बाद आप इस जो छोटी सी इमेज है इसका आप कलर भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से इस तरह से।
और यहाँ पर ये जो हमने ऐड की है छोटी पिक्चर, इसका हम कर लेते हैं थोड़ा एडजस्टमेंट, और इसका जो थोड़ा, तो यहाँ से आप इस तरह से कर सकते हैं वीडियो एडिटिंग। तो मैंने आपको फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए दिखा दिया है, और आप जो चाहें उतनी मर्ज़ी आप कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं अपने हिसाब से, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि हर ऐसी वीडियो एडिटिंग के हवाले से और इंट्रो के हवाले से आप तक पहुंचती रहे। तो आज के लिए इतना ही वीडियो था, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नेकबान।